नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़ पर। मैं आपकी दोस्त शिवांगी लेकर आई हूं आज की उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आ गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 4000 तक पहुंच गई है। वहीं संक्रमित मरीज और मौत के मामले भी कम होने लगे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 263 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 7 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 629 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को 31,168 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 12, बागेश्वर में 8, चमोली में 11, चंपावत में 11, देहरादून में 67, हरिद्वार में 55, नैनीताल में 23, पौड़ी में 9, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी में 20, उधम सिंह नगर में 15 और उत्तरकाशी में 22 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,36,876 हो गई है। इनमें से 3,19,559 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,633 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,935 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीज और मौत के मामले थम नहीं रहे हैं। प्रदेश में अब तक 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में रविवार को ब्लैक फंगस के 10 नए मामले और 6 मरीजों की मौत हुई है। ये देहरादून जिले के हैं। ब्लैक फंगस मरीजों की कुल संख्या 390 हो गई है, जबकि 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। देहरादून में कुल मरीजों की संख्या 352 हो गई है। ब्लैक फंगस से 59 की मौत हो चुकी है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, हरिद्वार जिले में अब तक कुल 38 मरीज मिले हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों के स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज होने का क्रम जारी है। चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि रविवार को ब्लैक फंगस के 2 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर गए। वर्तमान में अस्पताल में ब्लैक फंगस के 16 मरीज का इलाज चल रहा था। ज्ञात हो कि शनिवार को भी एक मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुआ था। इसके अलावा आपको बता दूं कि कोविड में अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। 9 जून को कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से शनिवार को इसके निर्देश जारी कर दिए गए। विभाग के सचिव हरिचंद्र सेमवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि योजना 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता पिता दोनों में से एक या संरक्षक की मृत्यु पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही सुनते रहें 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़।